दहशतगर्दी की इस जंग में हमारे जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। आज 4 अगस्त है। आज के दिन पाकिस्तान पुलिस के जवान, अफसरान और जितने भी उनकी फैमिलीज हैं, उनको मेरी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से हम खराज तहसीन पेश करते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान पुलिस के हीरोज नहीं हैं, वो हम सब के हीरोज हैं। पाकिस्तान पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज असलम। आज 4 अगस्त है और हम आज के दिन पुलिस के शहदा को खराज तहसीन पेश करेंगे। उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उनकी वजह से हम सुकून से रहते हैं, आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें हमारे पीछे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे पुलिस फोर्स को सलाम और तमाम पुलिस के शहदा को खराज तहसीन। आज 4 अगस्त है और आज हम अपने पुलिस के शहदा को याद करेंगे, उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे कि हमारी ज़िंदगी जो सुकून में गुजरती है वो इसी वजह से गुजरती है कि बाहर कोई अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है। मैं उन तमाम अफसरान को, तमाम सिपाहियों को, उनकी फैमिली को सलाम पेश करता हूँ जो पूरे मुल्क की हिफाजत करते हैं। बट मेरी दुआ यह है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब किसी भी माँ को अपने बेटे से नहीं बिछड़ना पड़ेगा। पुलिस की बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है इस मुल्क के अंदर और रोज़ जो लोगों की जिंदगियां बचती हैं सड़कों पर, घरों पर डकैतियों से, ये हमारे पुलिस के नौजवान हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आज 4 अगस्त है और आज हम अपने पुलिस के शहीदों को याद करेंगे और हम सब मिलके उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज 4 अगस्त योम पुलिस शहदा है। मैं पुलिस के तमाम शहदा और उनकी फैमिलीज को दिल से खराज तहसीन पेश करती हूँ। हमारे पुलिस के तमाम अहलकार और अफसरान हमारे प्यारे मुल्क और कौम के तहफ्फुज़ के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर देते हैं। मेरा दिल से उन सबको सलाम और मैं सल्यूट पेश करती हूँ और मेरा ईमान है कि उनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।